हम सीधा रुख कर लेते हैं राजस्थान विधानसभा की ओर और क्या कुछ कह रहे हैं खाद्य मंत्री खाचरियावास। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को इतिहास में राजस्थान की जनता कभी माफ नहीं करेगी। विधानसभा जब चलती है तो लाखों रुपए खर्च होते हैं राजस्थान की जनता के। बीजेपी के लोग ये बता दें कि वो सुबह से सदन नहीं चलने दे रहे, प्रश्नकाल में नारेबाजी कर रहे थे। प्रश्नकाल तो हुआ, प्रश्न जो पूछ रहे थे, लेकिन बीजेपी राजस्थान की जनता के प्रश्न नहीं लगा रहा। भारतीय जनता पार्टी के साथ दिक्कत यह है, यदि वो चुनाव हार गए पंचायत का, नगर निगम का, बाई इलेक्शन हार गए, तो उसके लिए हम जिम्मेदार हैं क्या? और प्रधानमंत्री मोदी जी का बजट खराब आया, उसके लिए भी हम जिम्मेदार हैं? बजट फेल हो गया इनका। पेट्रोल डीजल गैस सिलेंडर की महंगाई ने बीजेपी के नेताओं के आंख में आंसू ला दिए, लेकिन मोदी जी नहीं सुन रहे। जनता बाहर रो रही है और देश में बीजेपी के नेता रो रहे हैं, क्योंकि उनकी हिम्मत नहीं है मोदी जी के और गृह मंत्री अमित शाह जी के सामने बोलने की। अब वो बोल नहीं रहे तो फ्रस्ट्रेशन यहाँ मिटा रहे हैं राजस्थान में। 14 बार भारतीय जनता पार्टी के शासन में 14 बार पेपर लीक हुआ, एग्जाम हुए, दोबारा मुकदमे दर्ज हुए, एक बार भी बीजेपी गिरफ्तारियां नहीं कर पाई। कांग्रेस पार्टी ने पेपर लीक हुआ, मुख्यमंत्री ने कहा कुछ भी हो जाए एसओजी को जांच दी, एक भी बचना नहीं चाहिए। आज तक की सबसे बड़ी कार्रवाई पेपर लीक की हमारी सरकार ने, हमने की। मुकदमे दर्ज हुए, गिरफ्तारियां हुई, अब बिल लेकर आ रहे हैं सख्त से सख्त। भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द है, मिर्चे लग रही है, बिल क्यों ला रहे हैं कि नकल रोकने के लिए? क्योंकि बीजेपी तो झूठ पर, नकल पर, फरेब पर, धोखे पर ही राजनीति करती है। रीट का कागज हाथ में लेकर खड़े हो गए, सीबीआई से जांच कराओ। पहले 5 जांच सीबीआई को दी है, वो 5 जांचों में पन्ना भी नहीं पलटा सीबीआई ने। और एसओजी हमारी राजस्थान की एजेंसी है, खाते राजस्थान का है बीजेपी के लोग और गाते दिल्ली का है। सारा काम राजस्थान में करते हैं, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है राजस्थान को दिलवा नहीं पाते, राजस्थान की जनता की मदद इनके 25 MP कर नहीं पाते। इतना कह सकता हूँ, बीजेपी का सदन के बाहर और सदन के अंदर मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। बीजेपी के पास झूठ, फरेब और धोखे के अलावा कुछ भी नहीं है। बीजेपी में हिम्मत है तो अध्यक्ष जी से मिलकर सबूत लेकर आए, झूठ बोलना बंद करे। सबूत तो उसको कहते हैं जो इनके केंद्रीय मंत्री ने किसानों को कुचल कर मार दिया, वो टीवी पे वीडियो दिखाई दे रहा है। सबूत इसको कहते हैं, विजय माल्या भाग गया, मेहुल चौकसी भाग गया, नीरव मोदी भाग गया, ये सबूत है कि आपने तुरंत भगा दिया उनको। सबूत ये है कि आपने कॉरपोरेट टैक्स खत्म कर, कम कर दिया 2%, लेकिन गरीब की, मीडियम क्लास की आपने सुनवाई नहीं की। कहाँ है 15 लाख, कहाँ है अच्छे दिन? बीजेपी के लोगों, नाटक नहीं चलेगा। राम राज्य का अर्थ होता है जन कल्याण और विकास, वो हमारी सरकार कर रही है और हम उसी रास्ते पर चल रहे हैं। आप तो नाटक कर रहे हो, अंदर हंस रहे हैं, बोल रहे हैं और हमारे लोगों से कहते हैं यार हम विरोध नहीं करेंगे तो फिर हमारा क्या होगा? 3 बरस से हमने विरोध नहीं किया, कुछ बीजेपी वाले ही कह रहे हैं। 3 बरस में विपक्ष की भूमिका नहीं निभा पाए। कल वसुंधरा जी ने इनके पोल खोल दी कि जब मेरे बेटे के घर पर हमला हुआ, बीजेपी आरएसएस वालों ने किया, तब भी तुमने मेरा साथ नहीं दिया। तो भारतीय जनता पार्टी जो नाटक कर रही है सदन के अंदर, ये राजस्थान का अपमान है, राजस्थान की जनता के साथ धोखा है। जो उनके 70 आदमी जीत कर आए, वो राजस्थान की जनता के साथ धोखा कर रहे हैं और इस धोखे का जवाब देना हमको आता है। बीजेपी नाटक कर रही है और ये नाटक बीजेपी का चलेगा नहीं। कांग्रेस पार्टी अपनी जान लड़ा देगी, लेकिन राजस्थान में नकल नहीं होने देगी। हमें चाहे हमारी जान लड़ानी पड़े, ऐसा बिल लेकर आए कि बच्चों की नौकरियां रोकने का षड्यंत्र बीजेपी कर रही है। बीजेपी चाहती है सीबीआई को जांच दे दे, नाटक को राजनीतियों और नई भर्तियों पर रोक लग जाए। इनके दर्द हो रहा है, नई भर्तियां क्यों हो रही है? राजस्थान रुकने वाला नहीं है, राजस्थान में भर्तियां भी करेंगे, बच्चों के साथ न्याय भी करेंगे, बिल भी पास करेंगे, नकल करने वाले गिरोह के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी करेंगे और बीजेपी के लोगों के नाटक का मुंह तोड़ जवाब भी। सर, ये राजनीतिक जो नियुक्तियाँ हुई हैं, 11 विधायकों को इसमें बोर्ड निगम आयोग में सेट किया गया। राजेंद्र राठौड़ कह रहे हैं कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में आता है, लाभ के पद में आता है, दो दो जगह से वेतन भत्ते कैसे हम इसको हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे? उनको कहना, एक तो उनकी आदत है झूठ बोलने की, कसम है उनको हाईकोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं किया तो वो क्या यहाँ तो बोल के चले जाते हैं और बाद में भूल जाते हैं। दूसरे दिन राठौड़ साहब की खबर छप जाती है कि हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, जा क्यों नहीं रहे? हमने मना किया है क्या? जाए ना,
तीन साल से आंदोलन किए नहीं, नाटक ही नाटक कर रहे हैं, होड़ लगी हुई है। सतीश पुनिया जी में, राजेंद्र जी में और गुलाब जयंती कटारिया में नेता कौन बने, इसलिए बार घोड़ा हो रहा है सारा का सारा। तो माने कीजिए कि जरूर जावे, नहीं गया तो माने याद दिला दीजिए, मैं भी याद कर रही हूँ उसे भी। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में आता है नहीं आता है, वो कानून कायदा हम सब समझते हैं। अगला तीसरी बार सीएम है, इसलिए ये बात उनको मैंने ही समझाया, कानून कायदा खूब समझते हैं। और ज़्यादा दम है ना तो उनसे कहो कि नियम कायदे कानून में टेबल करे सारे आरोप, और अध्यक्ष जी को जाकर दे, नाम सीपी जोशी है, बारे काट दे, बोलो लगाए ना आरोप, टेबल करके लगाए ईमानदारी से। विधानसभा में नियम कायदे कानून बने हुए, यदि आपको किसी मंत्री पर आरोप लगाना है आप उन कानून के तहत लगाओ, वो प्रूव करना पड़ेगा, प्रूव नहीं करेंगे तो सदस्यता जाएगी, इसलिए अंदर आरोप नहीं लगा रहे। क्या मंत्री का दर्जा या वेतन भत्ते नहीं दिए जाएंगे जिनकी नियुक्ति हुई है? मंत्री का भत्ता देंगे नहीं देंगे, वेतन भत्ते कितने देंगे, कब देंगे, कौन सी गाड़ी देंगे, ये काम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का है। आप पावर मांगन को नहीं, मुख्यमंत्री जी कहने भाई देवेला